प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 5 की अंग्रेजी की कक्षा में आज का लेसन है द आंट एंड द डॉग। द आंट माने चींटी, एंड माने और, द डॉग माने फोकता चिड़िया या सफेद कबूतर। चींटी और सफेद कबूतर। यहाँ देखिए, ये इस चित्र में यहाँ पर एक चींटी जो नदी में बह रही है एक पत्ते पर, यहाँ एक फोकता चिड़िया बैठी हुई है। ऐसा क्यों हुआ, चींटी पत्ते पर कैसे पहुँची, ये एक प्रश्न है। क्या आप लोग इस संबंध में कुछ बता सकते हैं? जी हाँ, एक चींटी नदी में पानी पीने के लिए जाती है और डिसबैलेंस होकर के नदी में गिर जाती है और वह बहने लगती है। तब भी वो आवाज़ लगाती है, बचाओ बचाओ। ऊपर एक चिड़िया बैठी रहती है, वो पत्ता तोड़ करके पानी में गिरा देती है और चींटी उस पर बैठ करके बह करके किनारे पर आ जाती है। एक कुछ दिनों बाद एक शिकारी आता है और डॉग चिड़िया पर निशाना लगाता है। तभी चींटी देख जाती है और दौड़ करके उसके पैर पर चढ़ करके उसे काट लेती है। उसका निशाना चूक जाता है और इसकी जान बच जाती है, चिड़िया की जान बच जाती है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। आइए इस पाठ को हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं। इट वॉज अ हार्ड डे। इट माने यह, वाज माने था, आ माने एक, हार्ट माने गर्म, डे माने दिन। यह एक गर्म दिन था। अ लिटिल आंट वाज वेरी थर्स्टी। अ लिटिल माने छोटी, आंट माने चींटी, वाज माने थी, वेरी माने बहुत, थर्स्टी माने प्यासी। एक छोटी चींटी बहुत ही प्यासी थी। शी वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर। शी माने वह, वेंट माने गई, टू अ रिवर माने नदी पर, टू ड्रिंक माने पीने के लिए, वाटर माने पानी। वह नदी पर पानी पीने के लिए गई। जस्ट देन शी लॉस्ट हर बैलेंस एंड फेल इन टू द वाटर। जस्ट माने तब, देन माने जस्ट देन तभी, सी माने वह, लास्ट माने खो दी, हर माने उसका, बैलेंस माने संतुलन, एंड माने और, फेल माने गिर जाती है, इन टू द वाटर माने पानी में। तभी वह अपना संतुलन खो देती है और पानी में गिर जाती है। सी क्राइड, वह चिल्लाई, हेल्प हेल्प, सहायता करो सहायता करो। अ डॉग वाज सिटिंग इन अ ट्री। अ डॉग माने एक सफेद कबूतर, वाज माने था, सिटिंग माने बैठा हुआ, इन माने में, ए माने ट्री माने पेड़ में। एक सफेद कबूतर पेड़ में बैठा हुआ था। ही हर्ड द आंट्स क्राई। ही माने वह, हर्ड माने सुना, द आंट्स माने चींटी का, क्राई माने आवाज, वह चींटी का आवाज सुना। द डॉग ड्रॉप्ड अ बिग लीफ इन टू द वाटर। द डॉग माने सफेद कबूतर, ड्रॉप माने गिराया, ए माने एक, बिग माने बड़ा, लीफ माने पत्ती, इन टू माने में, द वाटर माने पानी में। सफेद कबूतर ने पानी में एक बड़ा सा पत्ता गिरा दिया। द आंट क्लाइम्ड इन टू द लीफ। द आंट माने चींटी, क्लाइम माने चढ़ जाती है, इन टू द लीफ माने पत्ती पर। द लीफ फ्लोटेड टू द रिवर बैंक। द लीफ माने पत्ता, फ्लोटेड माने बह करके बहता है, टू रिवर बैंक माने नदी के किनारे तक। इन दिस वे द आंट वॉज सेव्ड। इन दिस वे, इन दिस वे माने इस प्रकार से, द आंट माने चींटी, वाज माने थी, सेव्ड माने बच गई। इस प्रकार से चींटी बच गई थी। आफ्टर सम टाइम द आंट सा अ हंटर। आफ्टर सम टाइम माने कुछ समय के बाद, द आंट माने चींटी, सा माने देखी, अ हंटर माने शिकारी। कुछ समय के बाद चींटी एक शिकारी को देखी। He had pointed his arrow at the dog. He had pointed, उसने निशाना लगाया था। He माने वह, had pointed माने निशाना लगाया था, his माने उसका, arrow माने तीर, at माने पर, the dog माने सफेद कबूतर, वह अपने तीर का निशाना सफेद कबूतर पर लगाया था। He wanted to kill him. He माने वह, wanted माने चाहता था, to kill माने मारना, him माने उसको, वह उसको मारना चाहता था। The ant crawled up the hunter's foot and बिट हिम। द आंट माने चींटी, क्रेवल्ड माने रेंगते हुए, अप क्रेवल्ड अप माने रेंग करके गई, द हंटर्स माने शिकारी के फुट माने पैर पर, एंड माने और, बिट हिम माने, बिट माने काट ली, हिम माने उसे। चींटी रेंगते हुए शिकारी के पैर पर गई और उसे काट ली। औच,
क्राइड द हंटर एंड हिज एरो ड्रॉप्ड. आउच क्राइड, चिल्लाया द हंटर माने शिकारी, एंड हिज एंड माने और, हिज माने उसका, एरो माने तीर, ड्रॉप माने गिर गया. जब कुछ काटता है आपको तो क्या करते हैं, आ आउच. तो उसी प्रकार से शिकारी भी बोला आउच और उसका निशाना चूक गया, उसका तीर जो है वो गिर गया. द डॉग वॉज सेव्ड, द डॉग चिड़िया वॉज माने था, सेव्ड माने बचा लिया, सुरक्षित. डॉग चिड़िया सुरक्षित था. द आंट एंड द डॉग हेल्प ईच अदर लाइक गुड फ्रेंड. द आंट माने चीटी, एंड माने और, द डॉग माने सफेद कबूतर, हेल्प माने सहायता करता है, ईच अदर माने एक दूसरे का, लाइक माने प्रकार से, गुड माने अच्छे, फ्रेंड्स माने मित्र. इस प्रकार से चीटी और सफेद कबूतर एक दूसरे की अच्छे मित्र की तरह सहायता करते हैं. इस कहानी का मोरल संदेश है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड. मित्र वही जो मुसीबत में काम आए. आइए इसके बोधात्मक प्रश्नों को करते हैं. कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. ए, वेयर डिड द आंट गो एंड वेयर माने कहाँ, डिड सहायक क्रिया है, आंट माने चीटी, गो माने जाना, एंड माने और, वाई माने क्यों. चीटी कहाँ और क्यों गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा, द आंट वेंट टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर. बी, हाउ डिड द डॉग सेव द लिटिल आंट. हाउ माने कैसे, डॉग माने सफेद कबूतर, सेव्ड माने बचाई, द लिटिल आंट माने छोटी चींटी को. सफेद कबूतर ने छोटी चींटी को कैसे बचाया था, इसका उत्तर कैसे बचाया था, पत्ता गिरा दिया था और चींटी उस पर चढ़ गई थी. द डॉग सेव्ड द लिटिल आंट बाय ड्रॉपिंग अ बिग लीफ इन टू द रिवर. सी, हु वांटेड टू किल द डॉग. हु माने कौन, वांटेड माने चाहता था, टू किल माने मारना, द डॉग माने सफेद कबूतर को या फोकता चिड़िया को. फोकता चिड़िया को कौन मारना चाहता था, हंटर, वेरी गुड, शिकारी मारना चाहता था. तो हो जाएगा, द हंटर वांटेड टू किल द डॉग. हु हटा के द हंटर लिख देंगे. डी, why did the ant bit the hunter. why माने क्यों, ant माने चीटी, bit माने काटी, the hunter माने शिकारी को. चीटी शिकारी को क्यों काटी थी, उत्तर क्यों काटी थी, क्योंकि वह डॉग पर निशाना लगा रहा था. तो उत्तर जाएगा, the ant bit the hunter because he was pointed to the dog. What is the moral of the story? What माने क्या, is माने है, the moral माने नैतिक, of माने का, the story माने कहानी का. इस कहानी का नैतिक क्या है, A friend in need is a friend indeed. Have you ever been in trouble like the aunt? क्या आप कभी, जो कि है पहले आ गया तो क्या हो जाएगा, क्या, यू माने तुम, एवर माने कभी, इन माने में, ट्रबल माने परेशानी में, लाइक माने प्रकार से, द आंट माने चीटी, क्या आप कभी इस प्रकार की परेशानी में थे जैसे चीटी थी. डिड एनीवन हेल्प यू, क्या आपकी कोई सहायता किया था. तो अगर आप हैं तो लिखेंगे यस, अगर नहीं परेशानी आपको इस प्रकार से हुई है तो आप लिखेंगे नो, आई डिड नॉट, Nobody help me. Write true, T for true and F for false statement. लिखिए T for true माने सत्य स्टेटमेंट के लिए, and माने और, F for false statement. F for माने लिए, false माने गलत, statement माने कथन के लिए. गलत कथन के लिए F लिखिए, सही कथन के लिए T लिखिए. यहाँ देखिए पहला क्या है, The little aunt was very hungry. The little aunt was very हंग्री, चीटी बहुत भूखी थी. ट्रू है कि फाल्स, सही है कि गलत, गलत है, फाल्स हो जाएगा यफ. द आंट फेल इन टू द वाटर.
आंट वन चीटी फेल इनटू द वाटर, माने पानी में गिर गई। क्या है? सही है, ट्रू हो जाएगा, टी। द आंट सा अ हंटर, आंट माने चीटी, सा माने देखी, अ हंटर माने शिकारी। चीटी ने एक शिकारी को देखा। ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू है, सही है, तो टी लिखा जाएगा। द डॉग वाज किल्ड, द डॉग माने सफेद कबूतर, वाज माने था, किल्ड माने मार दिया गया, डॉग मार दिया गया, सही है कि गलत? गलत है, तो क्या हो जाएगा? यफ, फॉल्स। द आंट क्लाइम्ड अप द ट्री, द आंट माने चीटी, क्लाइम्ड अप माने चढ़ गई, द ट्री माने पेड़ पर, चीटी पेड़ पर चढ़ गई, सही है कि गलत? गलत है, तो हो जाएगा यफ। द आंट एंड द डॉग डिड नॉट हेल्प ईच अदर, आंट माने चीटी, एंड माने और, द डॉग माने कबूतर, डिड नॉट माने नहीं, हेल्प माने सहायता किए, ईच अदर माने एक दूसरे का, चीटी और चिड़िया एक दूसरे की सहायता नहीं किए, सही है कि गलत? गलत है, तो हो जाएगा यफ, फॉल्स। अब आ जाइए वर्ड पावर, कंप्लीट द ग्रिड विद द हिंट्स गिवन। ये ग्रिड दिया गया है, इसको पूरा करना है, कैसे? हिंट जो दिए गए हैं यहां पर उसकी सहायता से, कंप्लीट द ग्रिड। अब देखिए क्या है, इट कम्स आफ्टर सेवन, ये क्या लिखा हुआ है? एट, सेवन के बाद आता है, तो एट का स्पेलिंग क्या होगा? ई आई जी एच टी, एट हो जाएगा। बर्ड पिक विथ दीज, बर्ड जो है चोच मारती है किससे? बीक से, बी ई ए के, यस, बीक्स। वी कैंट ईट विदाउट दीज, वी माने हम, कैन नॉट माने नहीं, ईट माने खाते हैं, विदाउट माने बिना, दीज माने इनके, हम इनके बिना नहीं खा सकते हैं। क्या है? टीथ, टी डबल ई टी एच, टीथ। दिस एनिमल हैज ए हम्प, इस जानवर के पास एक कुबड़ है, कौन सा जानवर है? कैमल, सी ए एम ई एल, कैमल, कैमल माने ऊंट। इट इज अपोजिट ऑफ ब्लैक, यह काले का विपरीत शब्द है, तो क्या हो जाएगा? सफेद, व्हाइट, डब्ल्यू एच आई टी ई, व्हाइट। आवर बुक आर मेड ऑफ दिस, हमारी किताब इससे बनी हुई है, क्या हो जाएगा? पेपर, पी ए पी ई आर, पेपर। इट इज अपोजिट ऑफ शोर, इट माने इज माने है, अपोजिट माने विपरीतार्थक, आप माने का शोर माने खट्टे का, यह खट्टे का विपरीतार्थक है, तो क्या हो जाएगा? स्वीट, एस डब्ल्यू डबल ई टी, स्वीट माने मीठा। वी हैव टीयर्स इन आवर आईज व्हेन वी आर सैड, हमें अपने आंखों में आंसू देखते हैं जब हम दुखी होते हैं, तो क्या हो जाएगा? टीयर्स, टी ई ए आर एस, टीयर्स। ये क्या है? इट इज ए ह्यूज बर्ड दैट फ्लाइज हाई इन द स्काई, यह एक बड़ा सा चिड़िया है जो आसमान में उड़ता है, क्या है? ईगल, ई ए जी एल ई, ईगल। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द गिवन वर्ब्स, कंप्लीट माने पूरा करिए, फॉलोइंग माने नीचे के सेंटेंस में वाक्य को, यूजिंग माने प्रयोग करते हुए, पास्ट टेंस माने भूतकाल, ऑफ द गिवन वर्ब्स माने आप माने का, गिवन माने दिए हुए, वर्ब्स माने क्रियाओं का, इनका पास्ट टेंस यूज करना है। क्या हो जाएगा? आलोक लीव है, तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट द जॉब लास्ट मंथ, प्रीति यहां दिया है लूज, तो हो जाएगा लॉस्ट हर पेन इन द स्कूल। फिर है बरखा, फिनिश है, तो हो जाएगा फिनिश्ड हर होमवर्क एट 5 o'clock। सुनील कीप है, तो हो जाएगा केप्ट हिज बुक्स ऑन द टेबल यस्टरडे। एक्टिविटी ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द स्टोरी ऑन ए चार्ट पेपर एंड कलर इट, क्या करना है एक्टिविटी में? ये जो कहानी आपने पढ़ा है चिड़िया चीटी का, इसको एक चार्ट पेपर पर बनाना है, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है, इसी प्रकार का चित्र चार्ट पेपर पर बनाना है और बना करके क्लासरूम में लगा देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।